बदलते लाइफस्टाइल के कारण लोगों की इम्यूनिटी पर इसका असर पड़ रहा है और यही वजह है कि लोगों को बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। यही नहीं, कम उम्र में लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कि आम तौर पर 50 की उम्र के बाद होनी चाहिए। इन्हीं बीमारियों में एक बीमारी है डायबिटीज, जो आजकल लोगों को काफी कम उम्र में भी हो जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज के कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए समय पर देख लेना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज का प्रकोप आजकल ज्यादा बढ़ गया है, इतना कि WHO का कहना है कि दुनिया भर में लगभग 422 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार हैं और पिछले 3 दशकों में टाइप 2 डायबिटीज तेजी से फैल रही है। कुछ ऐसे साइलेंट लक्षण हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्दन का काला और मोटा होना। आजकल के जमाने में लोग फैक्ट को अनदेखा कर जाते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपकी गर्दन का रंग बाकी के स्किन के कलर के मुकाबले कुछ ज्यादा काला और मोटा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। इन्फेक्शन होना। अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो उन्हें बार बार इन्फेक्शन होता है, उनका पेट खराब हो सकता है, तो हो सकता है जांग और हाथ पैरों में खुजली हो और खास तौर पर दाने भी बहुत निकलते हैं। चश्मे का पावर बढ़ना। अब इस लक्षण का मतलब समझिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। तो अगर किसी इंसान को विजन प्रॉब्लम हो रही है तो ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। तो इसे इग्नोर करने के बजाय एक बार आंखों का चेकअप कराने के साथ ब्लड शुगर भी चेक कराना चाहिए। सेक्सुअल प्रॉब्लम। आपका अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपको अगर सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, या फिर प्राइवेट पार्ट में जलन, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो।